21वीं सदी का अंतिम दशक, आबादी 84 करोड़, निरक्षरता 48%, वर्ष 1991, सारे देश में एक नई तरह की हलचल, नई तरह का जन आंदोलन, निरक्षरता के खिलाफ जबरदस्त लामबंदी, समाज के प्रत्येक वर्ग के संवेदनशील लोगों के मन में एक नया उत्साह, जाति धर्म संप्रदाय व्यवसाय और विचारधाराओं तथा सैद्धांतिक प्रतिबद्धताओं की सीमाओं को लांघते लाखों युवाओं और व्यस्क नर नारी, सरकारी गैर सरकारी संगठन, अधिकारी और आम नागरिक सब मिलकर मानो एक तूफानी दरिया बन गए। आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे उदात महाअभियान, देश के समग्र विकास के मार्ग में सबसे बड़े अवरोध निरक्षरता को हटाने का महाप्रयास, संपूर्ण साक्षरता अभियान। इस मुहिम की शुरुआत साक्षरता मिशन ने की थी। इसका निदेशन और संचालन भी तो वही कर रहा था। हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा, यानी निरक्षर और गरीब हिस्सा, युगों युगों से मानो इसी की बाट जोह रहा था। उसने अभियान को हाथों हाथ लिया। सबको साक्षर बनाने के लिए सरकार की ओर से कार्यक्रम पहले भी चलाए जा रहे थे, कुछ स्वयंसेवी संगठन भी काम कर रहे थे, लेकिन स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। इस साक्षरता अभियान ने दूर दराज के गांव से लेकर नगरों महानगरों की मलिन बस्तियों में बसे करोड़ों निर्धन, अभावग्रस्त, विकास की मुख्य धारा से अलग थलग पड़े लोग, छोटे छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, आदिवासियों और महिलाओं में एक नई आशा पैदा कर दी। उनको एक नई दुनिया खुलती दिखाई दे रही थी। अपने जीवन को बदलने का एक मौका नजर आ रहा था। संपूर्ण साक्षरता अभियान के परिणाम सामने थे। वर्ष 1995 के आते आते देश में साक्षरता का मानो मानचित्र बदल गया। 400 से अधिक जिलों के गरीब स्त्री पुरुष, कल तक के अंगूठा छाप, वातावरण को उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक जय अक्षर और अक्षर ज्योति के नारों से गुंजित कर रहे थे। पहली बार कागज पर अपने हाथ से अपनी पहचान अंकित कर रहे थे, अपना नाम लिख रहे थे। यही नहीं, वो अपनी गरीबी, शोषण और बेचारगी के अर्थ समझ रहे थे, अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे थे। उनका मानो एक नया जन्म हो रहा था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के सामने प्रश्न था, एक बड़ा प्रश्न, यहां से कहां? उत्तर साक्षरता अभियान की अपनी सीमाएं थीं। नव साक्षरता के इन दियों को यदि तेल लगातार नहीं मिलता तो ये टिमटिमा कर बुझ जाएंगे। करोड़ों की आशाएं पूरी होने से पहले ही मर जाएंगी। अंधियारा और घना हो जाएगा। साक्षरता की ज्योति को जलाए रखने के लिए, साक्षरता को एक जीवन शैली के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने एक नई रणनीति की घोषणा की। अस्तित्व में आया सतत शिक्षा कार्यक्रम। सतत शिक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उत्तर साक्षरता कार्यक्रम केवल एक सीमित अवधि के लिए था, एक वर्ष या डेढ़ वर्ष के लिए, और उसके बाद वो कार्यक्रम समाप्त हो गया। और सतत शिक्षा कार्यक्रम है जो हमेशा चलने वाला है, तो इसलिए जरूरी था कि जो लोग साक्षर हुए हैं वे अपनी साक्षरता का उपयोग अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए और समाज और देश के विकास के लिए निरंतर करते रहें और अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाएं, इसलिए जरूरी था सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाना। दूसरे, सतत शिक्षा कार्यक्रम में नव साक्षरों और अनपढ़ों के अलावा अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनमें शिक्षित वर्ग, इसमें सारा समुदाय शामिल है। सतत शिक्षा कार्यक्रम को साक्षरता अभियान की एक तर्कसंगत परिणति के रूप में देखा गया। इसके दो पक्ष थे। पहला तो ये
कि ये नव साक्षरों द्वारा हासिल किए गए पढ़ने लिखने के कौशल को आगे बढ़ाने में सहायक होगा, और दूसरे कि समाज के अल्प शिक्षितों तथा अन्य हिस्सों में पढ़ने पढ़ाने की आदत तथा संस्कृति को विकसित करेगा। एक साक्षर सजग समाज की रचना करेगा। सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत उन लोगों को साक्षर बनाना भी आता है जो साक्षरता अभियान के दौरान अक्षर ज्ञान नहीं सीख पाए थे। इस प्रकार सतत शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य अत्यंत व्यापक है। इसका लक्ष्य साक्षरता के माध्यम से ऐसे नागरिकों का विकास करना है जो पर्याप्त जानकारी हासिल कर सकें, तर्कसंगत और वैज्ञानिक ढंग से सोच सकें, अपने अधिकारों एवं सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों को जानकर उनका निर्वाह कर सकें। वास्तव में ये कार्यक्रम जनसाधारण के सशक्तिकरण का है। सरकार द्वारा जितने भी विकास संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन सभी कार्यक्रमों का लाभ जनता को पहुंचाया जाए, और इसके लिए सतत शिक्षा केंद्र को एक मंच बना लिया जाए, और सतत शिक्षा में केंद्र में जो अनपढ़ रह गए हैं उन लोगों को भी साक्षर बनाया जाएगा, जो नव साक्षर हो गए हैं जो पढ़ पढ़ करके उनको कि अपना पढ़ना लिखना अंक ज्ञान ये सब आ चुका है, वो अपने मैंने इसको और ठोस स्वरूप उसको प्रदान करेंगे और पढ़ेंगे, उनकी पढ़ाई और मजबूत होगी और आगे विकसित होंगी। और साथ ही पंचायत राज जिसमें कि जनता को ही सारे निर्णय लेने हैं अपने ग्रामीण स्तर पर या पंचायत स्तर पर, उस पंचायत राज्य को सफल बनाने के लिए भी ये आवश्यक है। और उस सतत शिक्षा केंद्र में लोग वहाँ बैठ करके विभिन्न विषयों पर वार्ता भी कर सकते हैं, वाद विवाद भी कर सकते हैं, और किसी भी विषय पर चर्चा करके उसका समाधान निकाला जा सकता है, और विभिन्न प्रकार के विचार भी वहाँ प्रकट किए जा सकते हैं। इस व्यापक उद्देश्य को सामने रखते हुए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने एक नीति तैयार की। स्थानीय केंद्रों से लेकर जिले और राज्य तक के लिए एक संगठनात्मक ढांचे की रूपरेखा बनाई, उनके कार्यों को तय किया, साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि इन कार्यों के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी। अपने दिशा निर्देश संबंधी दस्तावेज में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने यह स्पष्ट किया कि जिला साक्षरता समितियों और राज्य संसाधन केंद्र के बीच क्या संबंध होंगे। नए प्रावधानों के अधीन ये भी तय किया गया कि जिला साक्षरता समिति के प्रस्तावों का अनुमोदन और उनके लिए धन की व्यवस्था राज्य साक्षरता समिति प्राधिकरणों द्वारा की जाएगी। इस कार्यक्रम को लागू करने में हर स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया था। जिला साक्षरता समितियों में विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले स्वयं सेवकों के लिए प्रति मास एक निश्चित मानदेय का भी प्रावधान किया गया। सतत शिक्षा कार्यक्रम को विधिवत लागू किए जाने के समय तक देश के लगभग 200 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता अभियान के लक्ष्य पूरे हो चुके थे। बहुत से स्थानों पर उत्तर साक्षरता के बाद कार्यक्रम लगभग ठप पड़े हुए थे, लाभार्थी और स्वयंसेवक बिखर गए थे, उत्साह भी कमजोर हुआ था, ढांचा छिन्न भिन्न हो गया था, न आम लोग पहले वाले थे और न ही कार्यकर्ता। अधिकांश जिलों में अभियान को दोबारा चलाए जाने के प्रयास चल रहे थे। जो लोग उत्तर साक्षरता या सतत पूर्ण साक्षरता अभियान के दौरान हमसे जुड़े रहे हैं उन लोगों को हमने ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश की, लेकिन अगर वो नहीं मिल पाए तो कुछ नए लोगों को हमें लेना पड़ा क्योंकि उतने लोग हमें उनमें से नहीं मिल पाए। नए लोगों के लिए हमने उनकी विचारधारा को मुख्य तौर पर देखा कि जिनमें समाज सेवा करने की थोड़ी भावना हो और वो लोग समाज के लिए अपने क्षेत्र के लिए अपने गांव के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हों उन लोगों को मुख्य तौर पे हमने लिया। दूसरा हमने पंचायतों को इसमें काफ़ी इन्वॉल्व किया, पंचायतों के सहयोग से हमने लोकल गांवों में प्रेरक चयनित किए हैं। नई चुनौतियों और नई रणनीति तथा बदले हुए हालात में इन 8 जिलों में जिला साक्षरता समितियों का पूरा कामकाज नीति निर्धारण से कार्यान्वयन तक का ऊपर से लेके नीचे तक सरकारी तंत्र के अधीन है। उदाहरण के लिए आगरा की जिला साक्षरता समिति की विभिन्न संस्थाओं में कोई स्वयंसेवी संगठन नहीं, जिला संसाधन इकाई में स्वयंसेवी संगठन के नाम पर सरकारी अधिकारियों के ही चुने हुए लोग हैं। यही स्थिति दूसरे जिलों में भी है।
हमें एकमात्र अपवाद हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला मिला। वहां के जिला साक्षरता समिति में ऊपर से लेकर नीचे तक स्वयंसेवी संस्था भारत ज्ञान विज्ञान समिति के अनुभवी प्रतिनिधि हैं, जो नीति निर्धारण से कार्यान्वयन तक के सभी कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं। इन जिलों में स्वयं सेवकों को केवल प्रेरकों के रूप में जोड़ा गया है। इनमें से अधिकांश को इस काम का कोई पूर्व अनुभव नहीं, कदाचित मिलने वाला मानदेय ही उनको जोड़े हुए हैं। मेरी एक सहेली थी, वो उस महल में रहते थे। उन्होंने बोले कि ऐसा कलेक्टर ऑफिस के थ्रू ऐसा नौकरियां मिल रही, बोल के बोले थे। तो मैं बोली चलो मैं भी चलती हूँ। तो जब हमारे घर में इजाजत नहीं दी ऐसा जाने की, मैं चोरी से गई, जाके फिर वहाँ पर नाम लिखी। तो फिर विजय प्रकाश सुपरवाइजर से उनके जरिए मिली, वो सहेली तो चले गए, मेरी नौकरी रह गई। कि एक स्थिरता लेकर आधार बना रहे, उसके साथ वॉलंटियर्स जुड़े रहेंगे, लेकिन जो आधार है, जो हमारा बेस सेंटर है, उसको चलाने के लिए प्रेरक जो है उनको कुछ मानदेय देना जरूरी है, ताकि वो वहाँ पे पूरे समय तक रह सके। जो स्वयंसेवी थे, जो वॉलंटियर्स हमारे अभी भी काम करते हैं या आगे भी करते रहेंगे, वो अपना थोड़ा सा समय इस कार्यक्रम के लिए देते हैं, लेकिन पूरे समय, ताकि फुली डिवोटेड सेंटर हमारा हो सके, इसलिए इनको मानदेय देना जरूरी समझा। ऐसी स्थिति में जब जब उनको मानदेय मिलना रुक जाता है, सतत शिक्षा केंद्रों की गतिविधियां भी ठप हो जाती हैं। हालांकि कुछ जिले हैं जहां साक्षरता के प्रति प्रतिबद्धता की भावना अब भी जिंदा है। हमने लिख कर दे दिया, हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है। जब पैसा साक्षरता समिति देंगे तो उसके लिए हम इनकार भी नहीं करेंगे, नहीं देंगे तो उसके लिए हम हाँ भी नहीं करेंगे कि हमें पैसा दो। तो हम अपने स्वयंसेवी के रूप से मतलब इस साक्षरता में जुड़े हुए, पीछे भी जुड़े, आगे भी जुड़े, और मतलब कार्य करते ही रहेंगे हम लोग। इसके अंदर हम लोगों की एक भावना जुड़ी है कि सेवा का माध्यम है, हम लोग इसको समझते हैं। क्योंकि हम इसको सोचते, जब आज हम लोगों को ये पैसा मिलने लगा, तो इसमें काम में कुछ हम लोगों के दिमाग में कुछ परिवर्तन हो जाता है जब पैसा आ जाता है। तो उसके पहले जब हम लोगों को एक स्वयंसेवक के रूप में जुड़ा था, तब मुझे इतनी चाह थी कि हम लोग एक एक बच्चा हम लोगों के साथ ऐसा काम करता था कि इसमें कोई स्वार्थ नहीं, हर व्यक्ति अपने निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए इसमें जुड़ा हुआ है। और मेरे पास आज भी है, बच्चे अपने अपने घरों पर माता पिता को पढ़ाते हैं, हम लोग स्वयं घर घर जाकर पढ़ाते हैं सर। इसलिए तो हम लोग इसमें सेवा की भावना से आए, हम लोगों को इससे पैसे से कोई मतलब नहीं है, ये तो दिया जा रहा है तो ठीक है। देश की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने कार्यक्रमों को लागू करने के मामले में लचीली नीति अपनाई। उसने राज्य साक्षरता समितियों को सुझाव दिए कि इन कार्यक्रमों को वे अपने जिलों के ठोस हालात और विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए लागू करें, लेकिन इसका मूल उद्देश्य ओझल न होने दें। अर्थात गतिविधियों का केंद्र बिंदु बचे हुए लोगों को साक्षर बनाने और नव साक्षरों तथा अल्प साक्षरों को सतत शिक्षा के साथ जोड़े रखना होना चाहिए। साक्षरता और शिक्षा में उनकी दिलचस्पी बनाए रखने के लिए सतत शिक्षा केंद्रों पर पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना करने की सिफारिश की गई। देखने में ये आया कि अधिकतर केंद्रों में इन पुस्तकालयों की स्थापना एक खानापूरी बनकर रह गई है। ज्यादातर किताबें लगता है एक बार भी नहीं पढ़ी गईं। इनमें क्या लिखा है, इसको लेकर सामूहिक चर्चा तो बहुत थोड़े केंद्रों में ही दिखाई पड़ी। पुस्तकों का चुनाव भी मनमाने ढंग से किया गया है। ज्यादातर जिलों ने इस काम में राज्य संसाधन केंद्रों से कोई सलाह या सहायता नहीं ली है। व्यक्तिगत रुचि विकास और जीवन गुणवत्ता जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों के जीवन में बेहतरी लाने के साथ लक्ष्य समूहों को सतत शिक्षा से जोड़े रखना है, लेकिन जिस तरह ये चलाए जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है जैसे ये मनोरंजन के कार्यक्रम तक सीमित होकर रह गए हैं। सबसे अधिक महत्व आय वृद्धि कार्यक्रम का है, जिससे लोगों को व्यवसायिक कौशल प्राप्त हो तथा उनकी आमदनी में वृद्धि हो। साक्षरता अभियान के दौरान इस तरह के कुछ कार्यक्रम उनके जिलों में चलाए भी गए थे।
लेकिन सतत शिक्षा कार्यक्रम के इस दौर में जो हमने देखा उससे ऐसा लगता है कि सतत शिक्षा केंद्रों में से अधिकांश का एकमात्र काम व्यवसायिक प्रशिक्षण देना रह गया है। एनएलएम की दिशा निर्देश जो रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों के ऊपर है वो बहुत ही सीमित है, और शायद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने इसको सीमित इस रूप में भी रखा है कि वो अपने अपने इलाके के अंदर अपनी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक इवॉल्व किए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे। शायद उनके दिमाग के अंदर ये बात रही होगी, लेकिन वास्तव में रोजगार उन्मुख कार्यक्रम चलाना हमें ऐसा लगता है कि नवसाक्षरों के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसी स्थिति में न केवल लक्ष्य और प्राथमिकताएं उलट गई लगती हैं बल्कि नई समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। व्यवसाय में लगाने को पूंजी का अभाव है और जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बाजार नहीं मिलता। जो प्लान कर रहा है ना कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो मार्केट में या एरिया का पूरा सर्वे करके देखे कि किस प्रकार का वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उनको दे। अगर मांग आती है कि सिलाई करनी है वो दे, अगर मांग आती है किसी ऐसी चीज़ की जिसके बारे में उन्हें लगता है कि मार्केट में नहीं इनकी बिक्री होने वाली और देयर इज नो मार्केट फॉर इट, तो उन्हें वो नहीं देना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानर्स की है। सभी जिलों में उन केंद्रों पर आने वालों में 99% महिलाएं हैं। लगता है इनमें पुरुषों की कोई रुचि नहीं। हमारे सतत शिक्षा केंद्रों में महिलाएं ज्यादा लाभ उठा रही हैं और वो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत से काम वो करती हैं, और ये भी वो संभव है। अब इसको तो और गहन छानबीन इसी करनी होगी कि जो आर्थिक समूहों में लोग लगे हुए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, क्या उसमें ऐसी महिलाएं तो नहीं है जो साक्षर नहीं हों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं अर्थ में या उद्योग या व्यवसाय में जो बिना पढ़े लिखे लोग भी कर लेते हैं। तो इसलिए ये भी जरूरी है, इस ओर हमें ध्यान रखना कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं या जो अर्थ मैंने आय के साधन बढ़ाने के लिए जो हम गतिविधियाँ कर रहे हैं उनमें लगे हुए लोगों को भी मूल साक्षरता प्रदान की जाए। महिला स्वयं सहायता समूह और महिला बैंक जैसी संस्थाओं का गठन रिजर्व बैंक की पहल पर पहले ही हो गया था। इनमें भी सदस्यों की बहुत बड़ी संख्या दूसरे वर्ग की ही है, न कि नवसाक्षरों की। सतत शिक्षा के इन स्थानीय केंद्रों को सरकार की निर्धनता उन्मूलन योजनाओं की सूचना देने के रूप में भी विकसित करने की चर्चा भी की गई है, लेकिन व्यवहार में लगता है कि ये केंद्र लोगों को आर्थिक लाभ दिलाने के लालच देने और प्रशासन तक उनकी समस्याओं को पहुंचाने का वादा करने के केंद्र बनकर रह गए हैं। कई को आ रहे हैं बोले तो कुछ पढ़ने को नहीं है। शुरू में तो बोले ऐसा होता चंद्र बाबू नायडू औरतों के वास्ते लोन दे रहे, ये दे रहे, वो कुछ देते ना दिलाते, वो सब बोलने के वाली बात है, कुछ मिलता नहीं किसको भी, खाली फिरना रहता। हमने साक्षरता कार्यक्रम लोगों को सक्षम और सबल बनाने के लिए चलाया है और इसका हर किसी को अधिकार है, ये उनके लिए एक अवसर है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है कि साक्षरता गरीबी दूर नहीं कर सकती लेकिन गरीबी से लड़ना जरूर सिखा सकती है। साक्षरता आपके निश्चय को दृढ़ करती है तथा आपको अपनी विपरीत परिस्थितियों को समझने और उनसे निपटने का तरीका बताती है। इन केंद्रों के माध्यम से नवसाक्षरों में कोई नई सामाजिक चेतना पैदा हुई हो ऐसा नहीं लगा। सामाजिक कुरीतियों, शराबखोरी और दहेज इत्यादि के खिलाफ महिलाओं के जो जुझारू आंदोलन संपूर्ण साक्षरता अभियान के दौरान उभरे थे वे अब कहीं नजर नहीं आते। दरअसल साक्षर और सजग बनने की बात कहीं पीछे छूट गई लगती है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि कुछ राज्यों में विशेषतया उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में राज्य संसाधन केंद्र की भूमिका में बेहद कटाव आया है। प्रशिक्षण के मामले में भी अनेक जिले उदासीनता दिखा रहे हैं और राज्य संसाधन केंद्रों की सहायता लेने के इच्छुक नहीं हैं। क्योंकि ये आगरा पहला जिला था
तो यहाँ पे अपना एक अलग कंसेप्ट रहा है कि सबसे पहले हम लोगों ने अपने DRU मेंबर्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट के पर्सन्स हैं उन लोगों की ट्रेनिंग हमने PSU फाउंडेशन से कराई और उनसे प्राप्त ट्रेनिंग के आधार पर हमारे DRU मेंबर्स ने ब्लॉकों पर और शहरी क्षेत्रों में जोन पर जा जा करके ट्रेनिंग दी। इसके लिए जो अभी हाल में उनको लगा है कि हम यहाँ प्रशिक्षण को जितना प्रभावी करेंगे काम उतना आसान होगा, लेकिन ना उन्होंने इस प्रशिक्षण को चूंकि यहाँ पूरे प्रदेश का जोर था इसलिए कोशिश बीच बीच में की है, जो रिकरिंग ट्रेनिंग्स होती हैं उनके लिए वो करते रहें। तो जिस प्रकार से कोशिश की जा रही है, जो आगरा को कठिनाई आ रही हैं, शायद आगरा के कठिनाई आने के कारणों को जान करके प्रदेश के दूसरे जिले इसे लाभ उठा सकें। प्रशिक्षण की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने इस स्कीम के अंदर कंटिन्यूइंग एजुकेशन में हमारा विचार ये था कि स्टेट रिसोर्स सेंटर रिसोर्स पर्सन्स को ट्रेन करेंगे जो कि डायरेक्टली जाकर प्रेरक्स को ट्रेन करेंगे। बीच में जो तीसरा लेवल मास्टर ट्रेनर्स का होता था टोटल और पोस्ट लिटरेसी में वो नहीं रहेगा। लेकिन जब हम संख्या को कैलकुलेट करने बैठते हैं तो इट्स माइंड बॉगलिंग जिसको कहते हैं। किसी ज़िले में अगर 1000 या आपके 1500 भी सेंटर्स एस्टैब्लिश होने हैं तो आपने 3000 प्रेरक्स और नोडल प्रेरक्स को ट्रेन करना है असिस्टेंट प्रेरक्स मिला के। और इट्स नॉट ए 2-tier सिस्टम कि नोडल प्रेरक प्रेरक को ट्रेन करेगा। तो और ये तो हो गई एक संख्या की बात। इसको करने के लिए हमें एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना तगड़ी प्लानिंग जिसको कहते हैं उसकी ज़रूरत है। स्टेट रिसोर्स सेंटर्स को केवल अपने ही जितनी उनकी क्षमता है इन हाउस जितनी क्षमता है उसके बाहर जाके और रिसोर्स पर्सन्स की टीम तैयार करनी है जो कि उनको सपोर्ट कर सके आगे जाके प्रेरक्स को रिसोर्स पर्सन्स को ट्रेन करने के लिए। एक तो ये बात होगी एंड दे हैव टू बिकम रियल प्रोफेशनल ट्रेनर्स विच इज़ रिक्वायर्ड। ये एक ज़रूरत है जो कि स्टेट रिसोर्स सेंटर्स को अपने वो जो टोटल और पोस्ट लिटरेसी में ट्रेनिंग करने का जो था ना उससे निकल के उन्हें आगे जाना है बिकॉज देर इज अ चेंज नाउ। कंटिन्यूइंग एजुकेशन में दूसरी तरह की ट्रेनिंग होनी है। दूसरी तरह की ट्रेनिंग से मेरा कहने का ये मतलब है इट्स नॉट अ 2 days और 3 days और 5 days ट्रेनिंग। वी वॉन्ट अ सॉलिड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अ प्रेरक और अ नोडल प्रेरक और अ असिस्टेंट प्रेरक बिकॉज वो वहाँ पर पूरे टाइम पे रहने वाला है एंड ही इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम सो ही हैज़ टू बी अ फुली ट्रेन्ड पर्सन। उसको आप कितने टाइम तक ट्रेन कर सकते हैं? एक हम लोग कुछ बना रहे हैं करिकुलम यहाँ से भी दे रहे हैं गिविंग फुल फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट्स जो हम सेंटर से देना चाहते हैं। उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम हम 11 दिन का प्रिस्क्राइब कर रहे हैं विच इंक्लूड्स फील्ड ट्रेनिंग दे शुड लर्न अबाउट PRA टेक्निक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। करिकुलम भी बनाकर हम दे रहे हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं सोच सकते कि प्रेरक को ट्रेनिंग के लिए लाया जा सकता है बट द ट्रेनिंग हैज़ टू बी वेरी इंटेंसिव एंड इट हैज़ टू बी क्वालिटेटिवली वेरी गुड ताकि आप सोचिए कि 11 दिनों में एक जो वॉलंटियर था उसको आप एक प्रेरक बना रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम हिम सो इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द स्टेट रिसोर्स सेंटर्स। इस संदर्भ में राज्य साक्षरता समिति प्राधिकरणों की गतिविधियों का उल्लेख करना आवश्यक है। इनकी स्थापना जिलों के प्रस्तावों को पारित करने और उनको धन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आसान करने के उद्देश्य से की गई थी लेकिन देखने में आया कि बहुत से राज्यों में इनका गठन नहीं हुआ और कुछ में वर्षों से इनकी बैठक ही नहीं हुई है। परिणाम स्वरूप जिला साक्षरता समितियों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव अधर में लटके हैं। अतः इन जिलों में उत्तर साक्षरता के बाद या तो काम शुरू ही नहीं हुआ अथवा धन के अभाव में बीच में ही रुक गया है। ये कहना सच से दूर नहीं होगा कि बहुत सी राज्य सरकारों की कोई विशेष रुचि नहीं है सतत शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करने में। सतत शिक्षा केंद्रों को स्थापित करने और उनको चलाने के लिए पहले के 5 वर्ष तक वित्तीय सहायता केंद्र सरकार देती है लेकिन आशा करती है कि इस अवधि के बाद ये केंद्र अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। स्पष्ट है कि केंद्रों का स्वावलंबी बनना समुदाय के सहयोग पर निर्भर होगा और ये सहयोग तभी मिल सकता है जब वे समुदाय के लिए उपयोगी साबित हों। कुछ राज्यों में कॉर्पस फंड को जुटाने के लिए तरह तरह के उपायों का सहारा लिया जा रहा है। व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए शुल्क शायद एक ऐसा ही उपाय है लेकिन सतत शिक्षा केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के ये प्रयास सफल हो सकेंगे इनमें संदेह है। और यदि किसी प्रकार से कॉर्पस फंड जमा हो भी जाता है तो क्या सतत शिक्षा कार्यक्रम एक साक्षर और सजग समाज बनाने के अपने मूल लक्ष्य को पूरा कर सकेगा?
जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है, जिस प्रकार इस पर सरकारी तंत्र हावी हो रहा है और जिस तेजी से स्वयं सेवी भावना का कटाव हो रहा है, उसे देखकर ये कहना कठिन है कि भारत 2005 तक सबको साक्षर बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगा।